मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ इस देश को ही नहीं पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। नमस्कार, तो बात कर रहे हैं दिल्ली रायट्स को लेके, रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म है, आपस में रिलीजन्स लड़ते रहते हैं, इसके सोल्यूशन क्या है? जो सोल्यूशन मुझे दिखता है वो है कि जो तीनों जो एग्रेसिव रिलीजन्स हैं उनके एग्रेसिव होने का कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव है हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। पहले इस देश को देखना है, उसके बाद पूरी दुनिया को। सोल्यूशन यह है कि इन तीनों रिलीजन्स को एक किया जाए, इससे काफ़ी फ़ायदा है। हाँ, लोग नाराज़ हो सकते हैं शुरुआत में, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सभी को पता है कि दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, तो दंगा होने का कारण बस रिलीजियस एग्रेसिवनेस, बदला लेने का जो ख्वाहिश है वही है। और इसीलिए मीडिया वालों, न्यूज़ चैनल्स, इनको ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए, और वो करते भी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन्स हो सकते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस है जो उल्टा कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं सिचुएशंस को। और जो एडुकेशन है ये भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। सही से अगर एडुकेट ना किया जाए तो एडुकेटेड लोग भी रायट को बढ़ावा देते हैं। आज हिंदू और मुसलमान अलग है, इतना अलग कि देखो दंगे हो रहे हैं, लेकिन अगर ज़रा सा गौर किया जाए तो ये पता चलेगा कि कोई अलग नहीं है। जो मुसलमान है वो बाहर से नहीं आए हैं, यहाँ के ही हैं, हमारे जैसे, एक ही एंसेस्ट्री हम लोग शेयर करते हैं, एक ही कल्चर है हमारा, बस कन्वर्टेड हुए थे। और वो भी उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम से पीड़ित होके जो लोअर कास्ट के लोग थे वो कन्वर्टेड हो चुके हैं। और मुसलमानों के अंदर भी एक टेंडेंसी होते हैं नॉन मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना इस्लाम में, तो ये उनके हिसाब से सही है, दूसरों के हिसाब से सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जो हिंदूवादी लोग हैं इसको थ्रेट मानते हैं। अभी हिंदुइज्म और इस्लाम कैनिबल्स की तरह हो चुके हैं, एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं पिरान्हा की तरह। दिल्ली में जो हो रहा है वो छोटे छोटे एरियाज में हो रहा है, लेकिन फिर भी मुश्किल पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है उसको कंट्रोल करने। ठीक है, तो सोच के देखिए, अगर भविष्य में ये लार्ज स्केल पे अगर हो तो क्या होगा, पूरे देश में ये अगर स्प्रेड कर जाए इस तरह के वायलेंसेस, तो ये सिविल वॉर के रूप तो लेगा। किसी ने कहा था कि किसी भी प्रॉस्परस पोटेंशियल वाला कोई देश को अगर तोड़ना चाहते हो तो मेजर जो रिलीजन्स हैं उनको आपस में लड़ा दो, बस खेल ख़त्म हो जाए। बहुत ही नेगेटिवली इफ़िशेंट तरीका है एक देश को ख़त्म करना, दो मेजर धर्म को, दो या तीन कुछ भी, आपस में लड़ा देना। और ये इंडिया पे भी होने वाला है, मुझे जो दिख रहा है, जैसे सब कुछ चल रहा है, भविष्य में ज़्यादा देर की बात नहीं है, कुछ डिकेड्स लगेंगे, 4-5 decades, उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। ये एक फैक्ट है, मुसलमान परसेंटेज में बढ़ने वाला, ये सभी को पता है। कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये सच है।
इसको अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरे भी नहीं कह सकते, इसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है। इससे क्या होगा, मुसलमानों के जो पॉपुलेशन है वो और भी प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे और हिंदू के पॉपुलेशन की बराबरी में आ जाएंगे। फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच क्लैशेस होंगे, सिविल वॉर हो सकते हैं, सिविल वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इससे कैसे बचेंगे? एक्चुअली हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स बहुत है। हाँ ये सही है कि एवरेज जो हिंदू है उनको प्रभावित कर नहीं पाते, लेकिन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स हैं बहुत सारे और वो मुसलमानों को थ्रेट समझते हैं। और इस्लाम की अगर बात करें तो ये फैक्ट है कि इस्लाम यूथ करके इस्टेब्लिश किया गया था प्रॉफ़ेट मोहम्मद के द्वारा, और जो मुसलमान हैं वो अपने प्रॉफ़ेट से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, उनके डिवोशन एडमायर करने लायक है। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन समस्या इस बात को है कि ये बिना कुछ विचार करके अपने प्रॉफिट को फॉलो करने लगते हैं, और बहुत कुछ है जो आज इनवैलिड है। वक्त के साथ साथ बहुत बदलाव आया है। वार को पहले ग्लोरीफाई किया जाता था, जिहाद पहले शायद वैलिड था लेकिन अभी नहीं है, अभी टेररिज्म जैसा है। तो युद्ध करके एक्सपेंड करना पहले वैलिड हो सकता था लेकिन अभी नहीं है। तो ये सब है, हिंदू और मुसलमान दोनों में ही अच्छाई या बुराई है। और कंपेयर किया जाए तो मुसलमान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं धर्म के प्रति। तो इससे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों हैं, और मुसलमानों के बहुत कुछ एडमायरेबल है, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम मुसलमानों से, जैसे कि अपने प्रॉफिट के प्रति जो डिवोशन है वो सीख सकते हैं, यूनिटी सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हिंदुइज्म का मजाक उड़ाए, हिंदुओं को अगर इंसल्ट करे, तो हिंदू कुछ बोलते नहीं, वो शेम फील करते, अपने आइडेंटिटी को भी छुपा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कोई बोलने का हिम्मत नहीं कर पाते। वो बहुत कुछ सीखने का है उनसे और भरोसे लायक भी होते, लेकिन बहुत लोग एक्सट्रीमिस्ट भी होते, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, वो एक फ्रैक्शन है, एक माइनर परसेंटेज है, लेकिन फिर भी। तो सिविल वॉर को तो रोकना है, नहीं तो कैसे रहेंगे इस देश में। एक बात स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि उन्होंने फोरसी किया भविष्य को, उन्होंने महसूस किया कि भविष्य में इस देश में लोग सनातनी दिमाग और इस्लामी शरीर से आगे बढ़ेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। तो मेरा ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक धर्म बन सकते हैं, एक नया रिलीजन बन सकते हैं, जिनमें हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सब होगा। इन तीनों रिलीजन्स को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो रिलीजन्स उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसा रिलीजन हो सकते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव होगा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जनरली रिलीजन से हम ये मतलब निकालते हैं कि कोई इरेशनल चीज़ जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस लिखा हुआ है, बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप का है, फ्रीडम ऑफ माइंड नहीं है, ऐसा कुछ। एक नया धर्म बनाने के बहाने हम ये आइडिया को चेंज कर सकते हैं, हम एक रैशनल रिलीजन को बना सकते हैं। लोग रिलीजन से रिपेल हो रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत है इसके, अब पॉजिटिव चीज़ें भी है लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी बहुत है। इन नेगेटिव चीज़ों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। एक बात याद रखिए कि ऑर्थोडॉक्स होना गलत है, ऑर्थोडॉक्स गलत है, उसी तरह अनऑर्थोडॉक्स भी गलत है, एक बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए। और इस यूनिफाइड जो धर्म है इसको
अलग नाम दे सकते हैं। ये मेरा बस एक कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को मैं चाहता हूँ कि सभी सोचे इस कॉन्सेप्ट को लेके। लोग नाराज़ हो सकते हैं, उनको लग सकता है कि हमारे जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो खतरे में आने वाला है इस कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एडिशन हो रहे हैं, इस नए धर्म में सिर्फ एडिशन हो रहे हैं। जितने भी नए किसी भी मंदिर या मस्जिद या चर्च में जा सकते हैं, कोई भी, सभी का आइडेंटिटी एक होगा। जिसको मर्जी वो नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, जिनको इच्छा होता है पूजा करना वो कर सकते हैं, जिनको अच्छा लगता है चर्च जाना जा सकते हैं। और एक कॉमन रिलीजियस प्लेस हो सकते हैं इस नए धर्म के, जिसमें एक आर्किटेक्चर होगा जो ऑल इंक्लूसिव होगा। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। मैं इस तरह से सोचा, एक नया सर्विस हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, पुजारी बनना एक गवर्नमेंट जॉब जैसा हो सकते हैं। पुजारी है वो क्रिश्चियन, हिंदू और इस्लाम, हर एक रिलीजन के रिचुअल्स उनको पता होगा, और रोटेशन होगा अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस में। और जो नए जो रिलीजियस प्लेसेस बनाए जाएंगे वो उसका आर्किटेक्चर ऑल इंक्लूसिव होगा, मंदिर मस्जिद और चर्च सब मिला के। और इसी बहाने हम कास्ट सिस्टम को, रिजर्वेशन के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस बहाने। और जो शिया सुन्नी है, इन डिफरेंस भी मिट सकता है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, ये डिफरेंस भी मिट सकते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट रिलीजियस वोट बैंक को यूज़ कर नहीं पाएगा, रिलीजन मुद्दा नहीं होगा, सिर्फ डेवलपमेंट होगा मुद्दा। और ये जो नया कॉन्सेप्ट नए धर्म के जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लोग कोई भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक प्रॉफिट को, हर एक धर्म के प्रॉफिट को, हर एक देव देवताओं को मान्यता दिया जाएगा। ये ऑल एक्सेप्टेबल एक प्रयास हो सकते हैं, और इस धर्म के बेसिस स्पिरिचुअलिटी हो सकते हैं। तो आपको ये अच्छा भी लग सकता है, बुरे भी लग सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जो अथॉरिटीज़ है, जिनके हाथ में ये इम्प्लीमेंट करने का क्षमता है, उन तक अगर पहुँचे तो अच्छा है। तो चलिए, मिलते हैं।